बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झाइयों के लिए एक बहुत ही आसान सी रेमेडी। फ्रेंड्स, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं उनको सिंपली क्या करना होगा अपनी झाइयों को रिमूव करने के लिए, उनको लेनी होगी गाय की दही। जी फ्रेंड्स, गाय की दही उनको चाहिए एक पाव, और मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल भी इस रेमेडी को। तो फ्रेंड्स, आप एक पाव गाय की दही लेंगे, उसके अंदर आपको ऐड करना होगा एलम। एलम फ्रेंड्स, ये आप किसी भी फनसार के स्टोर से इजीली मिल जाएगा। आपको ये चाहिए एक तोला। फ्रेंड्स, आपने इसको पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, जो एलम है ये आपकी झाइयों को अच्छे तरीके से रिमूव करेगा, और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। फ्रेंड्स, जिद्दी से जिद्दी झाइयाँ भी आपकी इंशाल्लाह इस पेस्ट से रिमूव हो जाएंगी। सिर्फ हमने दो चीज़ें ऐड की है, एक तो हमने गाय की दही ली है। फ्रेंड्स, आपने गाय की दही लेनी है, आपने किसी और दूध की दही नहीं लेनी, क्योंकि गाय की दही में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपकी झाइयों के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसको अपने फेस पर लगाना है और हल्का हल्का मसाज करना है। फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट आप मसाज कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा, और इसके बाद फ्रेंड्स, आपने कोई भी सोप यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना है। और आपने इसको फेस वॉश के साथ इसलिए वॉश करना है क्योंकि मैंने अपनी एक और वीडियो में आपसे कहा था कि आप कोई भी रेमेडी यूज़ करने के बाद आप कोई फेस वॉश या साबुन वगैरह यूज़ मत करें। लेकिन इस रेमेडी के बाद मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको उन्हें अपने फेस को वॉश करना है और फेस वॉश के साथ वॉश करना है। अगर आपके पास हर्बल फेस वॉश है तो आप उसके साथ वॉश कर लीजिएगा। फिर सोप को मैं इसलिए अवॉइड कर रही हूँ कि सोप हम इतने अच्छे यूज़ नहीं करते बाद अवकात, इसलिए अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का सोप है, आप मसलन आपके पास बेबी सोप है या आपके पास डव है, तो आप उसके साथ अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर लक्स है या कोई और है वो आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसके अंदर एलम यूज़ किया है, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ कीजिएगा, और फ्रेंड्स इसके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। होप सो फ्रेंड्स, आपको रेमेडी पसंद आएगी, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।